हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से 3.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर गाइस। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पे गाइस नंबर्स जो दिए गए हैं करोड़ में नंबर्स है। इनकम है 56,356 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 53,088 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर 56,209 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों की इनकम इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ 52,419 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 49,761 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर 53,372 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। बट कंपनी का इनकम एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस बहुत कम हुआ है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4,136 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 3,328 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर 2,839 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 3,174 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 2,331 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर 2,411 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 14.27 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो कंपनी का जो रिजल्ट आया है अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है क्वार्टर एंडेड में। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 2,17,458 करोड़ का, 23 में 2,24,459 करोड़ का इनकम में डाउन है। एक्सपेंसेस 2,03,469 करोड़ का, 23 में 2,11,268 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, लेकिन एक्सपेंस बहुत कम है, इसके कारण प्रॉफिट में इंक्रीज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14,012 करोड़ का, 23 में 13,241 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 10,155 करोड़ का, 23 में 10,097 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। ईपीएस कंपनी का 45.71 रुपीज़ का, जो कि 23 से इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज नोवेलिस एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और कॉपर, इन तीन चारों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल एंडेड। क्वार्टर एंडेड में तो इंक्रीज किया, फिनेंशियल एंडेड में डाउन है, बट एक्सपेंस बहुत कम हुआ, इसके कारण प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेगा इस, तो कंपनी का जो इस बार का नंबर्स है करोड़ में ही नंबर्स दिए गए हैं। इनकम है कंपनी का अगर देखा जाए तो इस बार का इनकम जनरेट किया 22,319 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 20,422 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 20,161 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ 20,688 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 19,126 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर 19,066 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंसेस इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 1,631 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 1,296 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 1,095 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 1,412 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 838 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 832 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 6.35 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिला, चाहे क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल ईयर एंडेड, बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट में। शेयर की बात करें गाइस तो कंपनी का रिजल्ट जो है 1.17% का प्रॉफिट है, 684.75% पे ट्रेड कर रही है। रिजल्ट गाइस आते ही कंपनी का शेयर में बहुत अच्छी प्रॉफिट हुआ, 155 में इसका रिजल्ट आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है रिजल्ट आते ही। और वन मंथ में 7.9% का प्रॉफिट है, 6 मंथ्स में 35% का प्रॉफिट है। गाइज एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस एक बहुत बड़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिला था, इसलिए मैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में गाइज थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था 13 मार्च को, उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, उसके बाद वापस फिर सपोर्ट लिया कंपनी, अगर देखा जाए तो 9 मई को जैसे वापस फिर सपोर्ट लिया, और वापस अभी जैसे पॉजिटिव में देखने को मिला, इसलिए थोड़ा वेट कर सकते हैं करेक्शन होने तक, और इसलिए गाइस अब थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो में ब्रेंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।